महाराणा प्रताप के 482वीं जयंती के उपलक्ष्य में शहर के में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा डैम्पी नगर के प्रारंभ होकर भरतपुर गेट, होली गेट, आर समारोह रोड होते हुए डैम्पी नगर में समाप्त हुई। शोभा यात्रा के दौरान एक दर्जन से अधिक झांकियां निकाली गई, जिनमें भगवान गणेश, विष्णु भगवान सहित अन्य झांकियां निकाली गई और ढोल नगाड़े बैंड बाजों के साथ इस शोभा यात्रा में छत्तीस समाज के लोग नाचते गाते हुए चले। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में राजपूत समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें कुंवर नरेंद्र सिंह, प्रकाश ठाकुर, कायेंद्र सिंह, अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में घोड़े पर सवार होकर राजकुमार भी सजे धजे नजर आए। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए समाज के गणमान्य लोगों ने बताया कि महाराणा प्रताप क्षत्रिय थे, उन्होंने दुश्मनों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। विपत्ति के समय महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई और अपने जमीर को नहीं गिरने दिया। देखिए शोभा यात्रा आज क्षत्रियों में उल्लास है, उमंग है, क्योंकि 482वां हम लोग महारा महामानव महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज क्षत्रिय समाज के सारे संगठन एकत्रित होकर आज एक छत्र के नीचे सब लोग हड़े उल्लास हर्षोल्लास के साथ आज इस महामानव बिना ऑपरेशन स्पाइन व जोड़ों के दर्द का इलाज और न्यूरो सर्जरी अब मथुरा में संभव। क्षेत्र में पहली बार बड़े शहरों की सुविधा अब सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर में उपलब्ध। आईसीयू, एनआईसीयू, वेंटिलेटर, एक्सीडेंट के सभी इमरजेंसी मरीज, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के सभी ऑपरेशन अब मथुरा में संभव। राम मनोहर लोहिया पीजीआई अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा 24 घंटे इमरजेंसी एवं प्रतिदिन ओपीडी की व्यवस्था। डॉक्टर प्रेमपाल भाटी, न्यूरो सर्जन, राम मनोहर लोहिया पीजीआई अस्पताल। न्यूरो सर्जरी, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी एवं एक्सीडेंट के सभी गंभीर मरीजों का इलाज अब मथुरा में सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध है। प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध। सभी प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर डिम्पी शर्मा। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब हर तरह की प्लास्टिक सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है, तो मथुरा वासियों को अब आगरा या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गौरव भारद्वाज, डायरेक्टर एंड फिजिशियन, सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर एवं पेन मैनेजमेंट सेंटर गोवर्धन चौराहा के समीप दिल्ली हाईवे मथुरा। आज अगर सिर पर जनेऊ है, सिर पर चोटी है, शरीर पर जनेऊ है, तो आज महाराणा की देन है। आज हितुत्व का प्रतीक और उस महामारण में जिसने अपना राजपाट त्याग कर घास की रोटी खाई, उसकी बच्ची से बिल्लो हाथ से रोटी छीन के ले गई, कितनी यात्राओं के सागे भी वो मुगल साम्राज्य के आगे झुका नहीं। आज महामानव महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली गई है। इसमें विशेष रूप से देखने को ये मिला कि हर वर्ग का व्यक्ति इस शोभा यात्रा में जुड़ा है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय है, ये मथुरा की एकता का परिचय है और ये सभी समुदाय में, सभी वर्गों में आपसी जो भाईचारा है उसका परिचय है, जिसमें ये सब लोग मिलजुल करके आगे बढ़ के शोभा यात्रा को इस तरह से आगे बढ़ा। महाराणा प्रताप अमर रहे। आज ऐतिहासिक ये शोभा यात्रा निकल रही है महामानव महाराणा प्रताप के। आज पूरा जनपद, समस्त क्षत्रिय बंधुओं को, मैं पूरे जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और
जो उत्साह आपको देखने को मिल रहा है, महाराणा प्रताप ने देश के लिए कुर्बानी दी, हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आज ये महारैली निकाल रहे हैं। प्रताप की जन्म शताब्दी के अवसर पर आज महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें शहर के सभी गणमान्य क्षत्रिय यहाँ पर उपस्थित हैं। और जो जोश खरोश इस बार देखा गया है, एकता का, ऐसे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में क्षत्रिय महासभा बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम इस मथुरा जिले में करने वाली है। और ये संदेश भी है कि महाराणा प्रताप ने जो अपने त्याग से तपस्या से देश को आज़ादी में जो काम किया है, वो क्षत्रिय समाज का वो गौरवान्वित करता है, और क्षत्रिय समाज हमेशा उनके लिए, हमारे लिए वो वंदनीय है। धन्यवाद। हर क्षत्रिय के लिए एक शस्त्र रखने की इजाज़त होनी चाहिए, चाहे वो रिवाल्वर के रूप में हो, चाहे राइफल के रूप में हो, क्योंकि क्षत्रिय ही हथियारों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, कलयुग हो, क्षत्रिय का हथियार हमेशा समाज की और देश की रक्षा के लिए इस्तेमाल हुआ है, और अपनी रगों में बहने वाले खून का इस्तेमाल देश और समाज की उन्नति के लिए ही क्षत्रियों ने किया है। आज क्षत्रिय शिरोमणि वीर महामानव महाराणा प्रताप जी की 482वीं शोभा यात्रा धूमधाम से, बैंडबाजों से, हाथी घोड़ाओं से आपके शहर में निकाली जा रही है, और युवा में इतना जोश आपके देखने को मिला है, कभी इतना जोश नहीं मिला था। आज जो महामानव महाराणा प्रताप जी के अधूरे जो सपने रह गए थे, वो चाहते थे वो पूरे नहीं किए, उनको हम मिलकर के सब पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।